सो गाइस नहा धो के हम चल रहे हैं मंदिर पर माता रानी के दर्शन करेंगे। सो गाइस जैसा आपको पता है मैं आज नहाने आया हूँ घाघरा नदी में। तो दोस्तों नहा वहा के पूजा वूजा करके अब चल रहे हैं घर की तरफ। ये लो फाइनली मैं घर पे आ गया। अब हाय दोस्तों, कैसे आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। सो दोस्तों नए ब्लॉग में आपका एक बार फिर से स्वागत है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो दोस्तों फाइनली आज मैं अभी स्नान करने आया हूँ नदी में और लंगड़तीर घाट पे आया हूँ नहा धो के। थोड़ा मंदिर में जाएंगे पूजा पाठ करके। आप देख सकते हैं देखिए कितनी भीड़ है, क्योंकि आज संडे का दिन है और हर संडे को यहाँ ज़्यादा ही भीड़ होती है। बहुत दूर दूर से लोग नहाने के लिए आते हैं। तो चलिए नहाते हैं, उसके बाद आप देख सकते हैं। ये देखिए भीड़ देखिए आप, कितने लोग नहा रहे हैं। बाइक हमारी वहाँ पर खड़ी है और मैं सोचा एक वीडियो शूट कर लिया जाए, ब्लॉग बना लिया जाए, उसके बाद चल के स्नान करेंगे। क्योंकि यहाँ मंदिर पर बैठने का मज़ा ही दोस्तों कुछ अलग ही होता है। काफ़ी शांति मिलती है और कोई बात नहीं है, बस शांति मिलती है। आप देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा देखिए। ये हमारे गांव से अप्रोक्स 500 मीटर की दूरी पर होगा ये मंदिर, लंगड़तीर घाट जिसे बोलते हैं। जो लोग यहाँ के हैं उन्हें तो सारी बातें पता ही है। जो मेला देखने आना होगा उसे भी पता है। तो दोस्तों चलते हैं, हम नहा के अब चलते हैं मंदिर में, माता रानी के दर्शन करेंगे और आपको दिखाएंगे कि यहाँ का मंदिर कैसा बना है और माता रानी की मूर्ति कैसी है। हम सीधा अंदर चलते हैं। ये देखिए यहाँ इस तरफ राइट साइड में बजरंगबली की मूर्ति है और काफ़ी भीड़ होती है। अभी तो आज कम भीड़ है, बाकी वैसे कोई त्यौहार रहता है ना तो काफ़ी भीड़ होती है दोस्तों यहाँ पर। तो चलिए मैं अंदर एंटर करते हैं यहाँ से। ये गेट, ये देखो यहाँ से आप देख सकते कितना खूबसूरत नज़ारा है दोस्तों अंदर का, इतना ज़बरदस्त मंदिर। मैं यहाँ कीर्तन वीर्तन भी करने आया हूँ दो तीन बार इस मंदिर के अंदर। और ये देखिए मूर्ति आपको दिखाता हूँ। अब ये देखिए लाइट जल रही, क्लियर नहीं दिख रहा होगा लेकिन बहुत सुंदर मूर्ति है। आप नज़ारा देखिए, यहाँ काफ़ी पुराना मंदिर है, काफ़ी अच्छा मंदिर है। चलिए बाहर चलते हैं और बजरंगबली का दर्शन करते हैं। ये बजरंगबली की मूर्ति यहाँ पर है। इधर से नीचे की तरफ चलेंगे, यहाँ पे ये देखिए ये बजरंगबली की मूर्ति है और इसमें बजरंगबली को स्थापित किया गया है। हम भी इस पैर छू के यहाँ चल रहे हैं। अब मूर्ति का वो मंदिर का बनावट देखिए आप, पुराने जमाने का इतना अच्छा बना है, देखने में मज़ा आ जाता है गाइस। यहाँ जितनी बार हो उतना ही कम है, मन करता है यहीं रहो। आप देख सकते हैं पूरा मंदिर कैसा बना है। तो पूजा वूजा करके हम दर्शन वर्शन करके माता रानी के चल रहे हैं अपने बाइक की तरफ। और जैसा कि आप लोग बताइएगा वीडियो कैसा लग रहा है दोस्तों, कितने वीडियो डेली में एक ब्लॉग शूट करके डेली में अपलोड कर देता हूँ। और आप लोग देख के बताइए कैसा लग रहा है, कमेंट करके बताइए, अपना फीडबैक हमें दीजिए, जिससे हमें पता लगे जहाँ हमारी गलती हो रही है उसको हम सुधार सकें। तो चलिए चलते हैं, बाइक लेते हैं और उसके बाद घर की तरफ चलते हैं। ये देखिए नदी का नज़ारा देखिए आप, पानी काफ़ी कम हो गया नहीं तो बहुत ज़्यादा बाढ़ आ गई थी यहाँ ऊपर तक। बाढ़ आ गया था, बाइक अपनी यहाँ पर खड़ी है, बाइक देखते हैं उसके बाद घर की तरफ निकलते हैं। चालू करके ये देखो लेके निकल दिए हैं। पहली क्या कहना। सो दोस्तों देखो फाइनली हम आ गए हैं घर पे और नहा धो के अपना आ गए हैं। चलेंगे नाश्ता पानी करेंगे थोड़ा और उसके बाद आपको आगे वीडियो में दिखाएंगे। तो चलिए नाश्ता पानी करते हैं। अभी मेरे छत से आप नीचे का नज़ारा देखिए,
कि मेरे ही द्वार पे एक कुआं है, बहुत बड़ा, बहुत पुराना कुआं है। आप हरियाली देखिए पेड़ों का, कितना अच्छा लग रहा है। दोस्तों ये समय ही हरियाली का है, क्योंकि बरसात का समय है तो सारे पेड़ पौधे जितने भी हैं वो हरे भरे हो जाते हैं और देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं और काफ़ी वातावरण अच्छा लग रहा है। ये टून का पेड़ है, मेरे छत के ऊपर ही है, ये काफ़ी घना हो गया है, हमारे चाचा का है, लेकिन डाली सारी हमारे छत के ऊपर आई है। और चलते हैं, हम थोड़ा नाश्ता पानी करते हैं, ये हमारी मम्मी आ गई, और चलते हैं देखते हैं खाना वाना बन गया है, नाश्ता पानी कुछ चाय हो गया है नहीं हुआ है, उसके बाद फिर आपसे हम मिलते हैं। ये देखिए अभी यहाँ पर नाश्ता तैयार हो रहा है, ये देखिए कबूतर का, इस कुएँ के अंदर भी कबूतर बैठती है, ये जाली के उस साइड खुला हुआ है कबूतर जाने के लिए, ये देखिए वो आके अपना उधर ही बैठते हैं, उनके बच्चे बच्चे भी सब उसमें हैं। तो दोस्तों फाइनली मैं आ गया हूँ हीरापुर बाज़ार, आज संडे है तो संडे वाले दिन यहाँ पर मार्केट बहुत बड़ा लगता है। तो मैं सब्जी लेने आया हूँ, आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये मार्केट है। चलिए घूमाते हैं आपको मार्केट और खुद घूमते हैं, और देखिए भी कितना अच्छा आ रहा है। सो अभी शाम के 4 बज रहे हैं तो पूरी तरह से भी बाज़ार लगा नहीं है, अभी जितने भी दुकानदार हैं सब अपना सामान लगा रहे हैं। ये बाज़ार 5:30 बजे से बाज़ार में भीड़ होती है, आप देख सकते हैं अपने अपने सब्जी सब लगा रहे हैं, और कस्टमर अभी कम हैं, सब अपना अपना सामान लेके बैठे हैं। इधर चलते हैं थोड़ा, इधर मछली अंडे वंडे की दुकान है, ये देखो एक साइड में यहाँ पे मछलियाँ मिलती हैं, आप किसी भी प्रकार की मछलियाँ आप ले सकते हैं हीरापुर बाज़ार में। ये देखिए जिंदा, इसको प्रयास बोलते हैं, ये जिंदा प्रयास है, इसको अभी पानी में डाल दें ताकि जिंदा बना रहे। थोड़ा इधर बढ़कर देखते हैं इधर क्या है। तो दोस्तों यहाँ भी देखिए मछली है, काफ़ी बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं, लोग खरीदने के लिए खड़े हैं, और अभी भीड़ कम है दोस्तों, बहुत भीड़ हो जाती है, बहुत ज़्यादा भीड़, किसी का सामान बचता नहीं है, सबका बिक जाता है। यहाँ से आप एक बार पूरा व्यू देखिए कितना अच्छा दिख रहा है, शाम के 4 बज रहे हैं और पूरी हरियाली में ये मार्केट लगा हुआ है हीरापुर बाज़ार।